बहुत बर्फ है जी, बहुत बर्फ है, इतनी बर्फ है चारों तरफ। ये देखो चाय किसको चाहिए, चाय कितनी, चाय कितनी, चाय ले गरम गरम, बर्फ के ऊपर बैठ के मैगी खा रही है। बच्चों के पापा से पूछते हैं उनको छिल्ली कैसी लगी। दीदी गुड नाइट। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं, बस यहाँ से 3 किलोमीटर है मनाली। तो अभी हम मॉर्निंग जाएंगे तो हमारा यहाँ पे होटल बुक है, तो अभी हम चलते हैं और आपको अपना होटल दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है इसकी कुछ बाहर वाली सी लुक। हमारी यहाँ पे कार की है हमने पार्किंग, एंड ये सब चले गए, बस हम रह गए हैं। हमारा होटल बहुत अच्छी लोकेशन है एंड बहुत ही इसका व्यू भी अच्छा है, मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए गार्डन बना हुआ है, बाकी मैं मॉर्निंग में आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी सब कुछ फ्लावर्स। यहाँ पे लगे हैं फ्रूट्स, एप्पल लगे हैं, एप्पल देखिए, ये एप्पल यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से बहुत अच्छी लोकेशन आ रही है। और यहाँ पे देखिए लोकेशन भी बहुत अच्छी है। मैं क्या इन्होंने तोड़न नहीं दिता, मैं तोड़ लिया एक। दिखायो दीदी, ये अंदर बहुत वधिया खाना लग गया। चू ची मैं टेस्ट बताती हूं। कच्चा है अभी बट ठीक है, कुछ कुछ मीठा है। कितने कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये क्यूट क्यूट से फ्लावर। तो ये है हमारा रूम एंड ये आ गया हमारा बेड। ये हमारी एंट्रेंस आ गई देखिए, और ये हमारी आ गई बालकनी, एंड ये देखिए बालकनी का बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। ये नीचे गार्डन आ गया, सामने पार्क आ गया। तो प्रॉपरली मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी ना व्यू रूम का अपने रूम। एंड ये खड़े सुनील जी। तो ये था हमारा आज का मेन्यू। यहाँ पे ना बफे सिस्टम है, बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ पे। यहाँ पे हर चीज़ इतनी टेस्टी भी थी ना, अगर इनके हिसाब को कोई चीज़ टेस्टी भी नहीं लगती तो वो इंस्टेंट आपको उसकी जगह पे कुछ और प्रोवाइड करते हैं बनाकर। और वही इनकी सर्विस आप जितना मर्जी डालें अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपको टेबल सर्विस चाहिए तो ये टेबल सर्विस भी देते हैं, तो ये आपको सब कुछ टेबल पर प्रोवाइड करेंगे गर्म गर्म खाना। तो हमें ना इस रेस्टोरेंट का ये बहुत अच्छा लगा कि हमें खाना भी हर चीज़ हमें मिली। अगर कोई डाइट पे है तो उसके लिए ये डाइट के लिए स्पेशल यहाँ पे फूड प्रोवाइड करते हैं बनाकर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन, मटन, दाल, राइस, दो तरह के नूडल्स, यहाँ पे कस्टर्ड और फ्रूट्स भी था थोड़ा सा, और उसके बीच में यहाँ पे थोड़े से पापड़ भी हैं। और बहुत अच्छा मेन्यू था आज का, और सबने बहुत अच्छे से खाया और एंजॉय किया। इसके बाद हम अपने ऊपर तो बनाने के बाद हमने थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी बनाई क्योंकि थकावट हुई पड़ी थी और सबने कॉफ़ी पीनी थी। तो यहाँ पे ना हमें सब कुछ हमें अपने रूम में ही मिला। तो हमें यहाँ पे ग्रीन टी का मटेरियल दिया उन्होंने, और नॉर्मल टी का दिया, और मिल्क पाउडर दिया, और यहाँ तक हमें कॉफ़ी भी दी। तो इसलिए हमने अपने रूम में खुद बनाई एंड एन्जॉय किया। नंबर
तेरी अंशवी 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 इधर करी फेस करी आए चोने दो लिनी आ गई जमला गोगो है देखो मैं जेंची को प्यार कर लिया ये देखो ये देखो कितना प्यार कर रहा है दीदी गुड नाइट मम्मा गुड मॉर्निंग दीदी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस हम अभी हम रूम से निकले हैं तो हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं जी आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट जहाँ हम रुके थे मनाली में ये पार्क है जी बाहर बैठने के लिए या हमारे रूम के ये होटल है जी या रेस्टोरेंट है जी जो काफ़ी सिस्टम बना हुआ है जी तो यहाँ पे सब जा चुके हैं अपना अपना ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गए थे ब्रेकफास्ट के चक्कर में तो यहाँ पे मैं देख बताती हूँ यहाँ पे कर्ड है और इसमें सैंडविच थे जो ख़त्म हो गए यहाँ पे पराठे हैं भटूरे हैं छोले हैं और यहाँ पे पोहा था और साथ में मिल्क टी हर चीज़ थी तो जो अगर वहाँ पे ख़त्म हो गया तो उन्होंने हमें फिर सब कुछ टेबल पर ही गरम गरम प्रोवाइड किया और हमने सब ने बहुत अच्छे से खाया एंड इन्जॉय किया और यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम है ना हमें हर चीज़ अपने टेबल पर मिली गरम गरम अगर इनकेस अगर बाउल्स में कुछ भी नहीं रखा हुआ ट्रे में कुछ नहीं है तो वहाँ पे आपको किचन से इंस्टेंट ला के देते हैं और हमने बच्चों के लिए यहाँ तक यहाँ से सैंडविच भी पैक करवाए जो बच्चों ने रास्ते में खाए थे तो बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का एंड बहुत अच्छा भी हमें लगा खाने का सिस्टम भी गाइज हम रेडी हो चुके हैं और हमारा ब्रेकफास्ट भी है जो डन हो चुका है और सब निकल रहे हैं हम भी जा रहे हैं अभी जाते हैं आगे तो फिर इसलिए अभी हम जा रहे हैं निकल रहे हैं एंड आपको दिखाते हैं आगे और चलो चलते हैं तो ये हमारा सारा सामान पैकिंग है ये एंड सब रेडी है तो अभी हम थोड़ी देर गार्डन में आए हैं देखिए आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे सब पिक्चर अपनी अपनी क्लिक कर रहे हैं और देखिए हेलो गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग लो जी बहुत मुश्किल से अभी हम निकले हैं यहाँ से और बच्चे भी यहाँ पे गुस्सा कर गया जाना क्या नहीं जाना हम जाए चलो बैठो जी किनू घबराहट होंगी है चलो जी कौन चीजी तेरी पड़ी है वो पड़ी अरे सैंडविच पाए है ना जैंसी से एक जैम वाला ले आया जैंसी का सैंडविच लिया था ना एक जैम वाला ना मैं पूछ पाऊंगा ये लो सैंडविच खा लो घबराहट होती है तुम्हें जैंसी हाय चलो फिर खाओ अपना बैग थोड़ा प्रूफ वाला ਅਡੇ ਦਾ ਆਦੂ ਕਰ ਕੋਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਪੁੱਤ ਪੰਡ ਕੋਨੇ ਕਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਏ ਪਾਲਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਪਾਲਾ ਵੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜੀ ਚਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤ ਜੀ ਪਾਲਾ ਦੇ ਹਾਏ ਕਮੇਟੀ ਚੱਕੀ ਪਾਲਾ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਾਲਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਪਾਲਾ ਤੇ चलो जी पाला दे।
परमंड वगैरह बनवाना है तो बस वो बनवा रहे हैं ये। तो बाकी सब ये अभी कार में है, ये देखिए आ गई आ गई आ गई। तो यहाँ पे ये अभी इनको थोड़ी सी भूख लग जाती है, थोड़ा सा चलते हैं भूख लग जाती है, तो ये ले रहे हैं छल्ली। ये देखिए ये सारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है, व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना थोड़ी सी ठंड सी हो रही है और हल्की हल्की ना बारिश भी होने लग गई है यहाँ पे। और वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है पहाड़ वगैरह सारे, नहीं लगता कब बारिश होने लग जाती है कब रुक जाती है। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली हल्की हल्की और फिर से अभी रेन स्टार्ट हो गया थोड़ी थोड़ी। तो अंशवी को तो मिल भी गई ये छल्ली। क्या लेके गए? छल्ली। ये देखिए गरम गरम अच्छा लग रहा है ना, ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही है ऊपर गरम गरम चल रही, बिल्कुल गरम गरम। बाइट करने दे मेरे को। मीठी है बहुत ज्यादा। कैसी है? बहुत मीठी। वैसे मैं छल्ली खाती नहीं हूँ बट सच में बारिश हो रही है ऊपर से हल्की हल्की और बिल्कुल गरम गरम है छल्ली एंड मीठी भी बहुत है, बहुत ही यम्मी है, बहुत टेस्टी है ना, बहुत टेस्टी है। और मेरे सिस्टर कहते मैं पहले दो ली थी टेस्ट कराने के लिए बट अच्छी लगी, अब एक और लेंगे। ये हो रही हमारी छल्ली रेडी। भाई इसके अंदर खाए। अच्छे से गरम कर देना भैया। हाँ जी थोनू कितना दी लगी? बहुत टेस्टी है और मीठी है। मीठी है? बोली बोली है। बोली बोली है। किन्हों देखे हैं? जीजू। सही है। पता नहीं खानी की करने याने खा गए, ये नहीं खांदी है जी। मिट्टी बहुत है। खांदी नहीं तू? खाने या मिट्टी छल्ली का टांग तू दाई पो खड़ देता कुत्ते ही नहीं दो, जो मर्जी दे दो। अच्छा अच्छा बोल जा नहीं पंद्रह गाय अपनी मेट्रो के नहीं बोल जा नहीं बंद नहीं ब्रेड खाता नहीं आना मैं, टेस्टी नहीं होना सीगा। चल नमक वगैरह लगा दिया, नींबू अच्छे से लगा दो नमक नींबू। ये हमारा गरम गरम गुट्टा भी बोलते हैं इसका ना, गुट्टा छल्ला, गुट्टा छल्ला। चलो मेरे दंत में फंस गई छल्ली है, देखो मैं दंत में फंस गई छल्ली है देखो। ईद में तो एक बच्चे बाजा मार दिया। चलिए काऊ का बच्चा, हेलो काऊ का बच्चा, हेलो काऊ का बच्चा, हेलो काऊ का बच्चा, क्या हाल है? चलो अभी हुण चलदे आं आपां अपने बच्चियां कोल। जान सी दे किदा खारी छल्ली। जान सी क्या अच्छी लगी? यम्मी है। वाओ खा लियो आप, इधर से नहीं खाते इधर से खाते हैं। फिनिश कर दो। वाओ गुगु फिनिश। तुम रहे हैं, तुम्हारी आ रही है लेके आ रहे हैं। चलो जी बच्चों के पापा से पूछते हैं उनको छल्ली कैसी लगी। हां जी किदा नहीं लगी थोनू छल्ली? तुसी तुहाडे खा ली?
ਲਿਆ ਰਹੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਠੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਰੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨਾਲੇ ਸੌਫਟ ਮਿੱਠੀ ये वो हाउस है उन्होंने अपना हाउस बनाया छोटा सा ओके दो दो छलियां खाने वाले टेस्टी है ओके टेस्टी है तो दो दो खाओ फिर चार चार खाओ फिर एक और ले आके तो मैं चावन है एक और खान दे अच्छा और खान दे चावन है वाह मोटे हो जाओगे अगे तो इन्ने मोटे है और मोटे हो जाओगे संभाले भी नहीं जाने फिर साढ़े तो एक सीट लाऊंगे पूरी गड्डी दी वैसे भी एक लाने तो एक ही हो दो ले लोगे अद तो यहाँ पे ना परमिट नहीं दे रहे थे ऊपर जाने का रोहतांग में तो हमें कम से कम 3 घंटे 2.5 घंटे हम वहीं पर रुके रहे और तब जाके उन्होंने हमें ऊपर जाने की परमिशन दी तो सच में हम बहुत परेशान भी हो गए थे इतना टाइम लगाना बहुत ज़्यादा तो हम यहाँ पे आते आते हमें 3:50 या 3:40 का टाइम हो गया था जब हम यहाँ पर आए थे तो तब जाके हम यहाँ पर आए थे लोग यहाँ से वापस भी जा रहे थे एंड काफ़ी थे भी तो कुछ मंडी वाला रास्ता बंद होने के चक्कर में ना तो इतनी ज़्यादा भी भीड़ नहीं थी यहाँ पे तो फिर भी हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया बट यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी सारा बर्फ़ है जो बर्फ़ अभी पुरानी हुई पड़ी है तो फ्रेश बर्फ़ नहीं थी बहुत हमें कम बर्फ़ देखने को मिली फ्रेश यहाँ पे एंड सारे बच्चे भी रोने लगे इतनी ठंड ऊपर से बारिश होने लगी यहाँ पे सारा चिक्कड़ चिक्कड़ हो रहा था फिर भी हमने थोड़ा सा बहुत काफ़ी देर यहाँ पे इंजॉय किया और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ खाया पिया जीजे का फोन का भी नहीं पता लगता आज दीदी बहुत
जैंसी चेक ले बर्फ। चल मेरी तो जैंसी नहीं बनाओ। देखो चाय किसको चाहिए? चाय कितनी? चाय कितनी? गरम बर्फ, बर्फ के ऊपर बैठ के मैगी खा रही है। क्या करूं मैं? बहुत बर्फ है जी, बहुत बर्फ है। देखो इतनी बर्फ है, ओहो चारों तरफ। सच्ची में बहुत ठंड है। जेंसीज ध्यान करके बैठते। गाइस अभी हम रोहतांग में आए हैं, तो काफी देर हो गई हमें आए हैं यहाँ पे। और देखिए बाहर बारिश भी होने लगी है और यहाँ पे हमारी मैगी पराठे चाय वगैरह चल रही है। इतनी ठंड में, हाय हाय ठंडी ठंडी हवा में गरम गरम चाय और मैगी, बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। और बच्चे यहाँ पे सब बैठे हैं, आंटी बना रही है रोटी सबके लिए और मैगी। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना चल रहा है। और देखिए कितना है, बादल 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 हुए पे हैं सारे, और साथ ही साथ यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई अभी तो। बहुत परमेश्वर का अनुग्रह है यहाँ पे, सीरियसली अमेजिंग व्यू है यहाँ का। एंड ठंड भी बहुत है, बहुत अच्छा है। क्या हो गया, क्या हो रहा है? हाय जैंसिस को क्या लग रहा है? ठंड लग रही है, तो ग्लव्स कहाँ हैं जैंसिस के? देखिए गाइस बारिश भी हो रही है अभी, ऊपर से इतनी ठंड, ठंड में बारिश, बारिश में चीचियां, ओए होए। जैंसिस जैंसी ठंड तो लगूगी। पापा जी ग्लव्स दे दो। हेलो गुच्चो पापा जी। तो ऐसा रहा हमारा रोहतांग का ट्रिप। एंड आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बाकी की क्लिप्स आपके नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।